सफारी सूट, याद है वो सफारी सूट मटैले से रंग का? रंगत भले ही उसकी फीकी हो पर आपके रौब को खूब बढ़ावा देता था। यूं तो नजरें आप पर हर लिबास में टिक सी जाती थी सबकी, पर वो सफारी सूट सब में उमदा लगता था। आज उसी सूट को निकालना जाने किस सोच से पापा ने आज उसे पहन लिया। सामने खड़े वो शीशे में अपने बाल संवारने लगे और मेरी नजरें फोन की स्क्रीन से हटकर उस लिबास पर जा पड़ी और ठहर गया सब, रुक सी गई सांसें, थम सी गई नजरें, और मैं वहीं बैठी एक टक उस लिबास को घूरने लगी। आंखों के आगे कुछ आकृतियां खुद ब खुद बनने लगी और मैं चली गई किसी और ही दुनिया में। मुझे दिख रहा था उस सफारी सूट का वो हिस्सा जिसपे कभी क्रीसे आती मैंने आज तक नहीं देखी थी, और मेरा मन और मेरा आपसे उस सूट को पकड़ के लिपट जाना उसकी क्रीसे खराब करता था और फिर डांट भी पड़ जाया करती थी, मुझे फटकारा भी जाता था जोर से। अब तक थोड़ी सी मुस्कान उस डांट को सोचकर आ चुकी थी, फिर नजरें हल्की सी खिसकी और उस जा पड़ी उस जेब पर जिसमें हर रोज नया रेनॉल्ड पेन रखा जाता था और शाम होने तक उसकी हालत ऐसी होती थी कि लिखते नहीं बनता था उससे। मैं उस पेन को दीवारों पर चलाकर खराब कर दिया करती थी। ये पेन खराब है, चल नहीं रहा, आपके पास आके उस पेन को लाके कहती थी, और आप मोटे गोल चश्मों के ऊपर से आंखें निकाल कर डराने की कोशिश में जो हर बार नाकाम रहती थी कहते कर दिया खराब। अब तक पापा भी नाश्ता करने बैठ चुके थे और मेरी मुस्कान भी जरा बढ़ सी गई थी कि नजर पड़ी उस चेहरे पर कि इस आस में मैंने अपनी नजरें फुर्ती से दौड़ाई थी कि उस चेहरे की तरफ, वो मोटे गोरे गाल, तीखी गुस्सैली आंखें जिनमें झांको तो सिर्फ प्यार ही दिखे, गले में सोने की चेन और फोन का फीता भी जिसे वो छोटा सा फोन लटका रहता था मुझे दिखेगा, पर जब नजर पड़ी उस चेहरे पर तो कुछ वैसा नहीं था। झपक गई आंखें, गिर गई बूंदे, भर आया दिल और वक्त, हाँ वही वक्त जो उस सूट को देखकर ठहर गया था, चलने लगा अपनी ही रफ्तार से।